प्रताप काले का सामना करने वाला कभी जिंदा नहीं रहता। सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बलि? सर, आपके जाने के बाद काले और उसके लोगों ने शहर को तबाह कर दिया। कोई कानून नहीं मानता। ये सब लोग उससे परेशान है सर। हमारी भलाई के लिए हमारे शहर में आकर आपने जो कुछ भी किया था, आपके जाते ही सब मिट्टी में मिल गया सर। आपने जो हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस दिलवाया था, उसे रद्द करके हमें नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ सर, इनकी हर एक बात सच है सर। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आप सच में IPS ऑफिसर बन जाइए। अच्छा लगा आपको देखकर, लेकिन उस पद को पाना आसान नहीं है बेटा। IPS एग्जाम पास करना पड़ता है। तो गणेश साहब IPS एग्जाम पास नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है सर? एक सातवीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का बहुत ब्रिलियंट था। मद्रास यूनिवर्सिटी से उसने MA का एग्जाम दिया और चौंकाने वाली बात है कि वो पास भी हो गया। गुजरात यूनिवर्सिटी में 10वीं का लड़का MBBS क्लियर कर सकता है, वो भी अव्वल नंबरों से। तो फिर आप ही बताइए, आप अगर IPS का एग्जाम देंगे तो पास क्यों नहीं हो सकते हैं सर? माना तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन गणेश का IPS बनना इतना आसान नहीं है। उसका तरीका है कि राज्य के मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर हमारे राष्ट्रपति से जब सिफारिश करेंगे तो ही ये एग्जाम में बैठ सकता है। तो फिर हम सब बेंगलुरु जाकर मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार कार्यक्रम में हमारे मन की बात उनके सामने खुल कर रखेंगे और कहेंगे कि गणेश साहब को फिर से वो पोस्ट दे दिया जाए। IPS हमारे देश का एक जिम्मेदार पोस्ट है। हम किसी को भी कानून के दायरे को लांघ कर अपने मनचाहे लोगों को उसका एग्जाम देने के लिए परमिशन नहीं दे सकते। जब हम हमारे राज्य के CM को चुनने का अधिकार रखते हैं, तो फिर हमारी रक्षा के लिए पुलिस ऑफिसर को चुनने का अधिकार क्यों नहीं रख सकते? हमारी मर्जी के मुताबिक हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। सर, किसने किसने किन किन राज्यों में किस तरह से परीक्षा दी और उन्हें परमिशन कैसे मिली, उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर है सर। इसे पढ़ने के बाद ही फैसला लीजिए सर। बिल्कुल सर, राज्यपाल की सिफारिश के साथ राष्ट्रपति तक अगर ये पहुँच गया तो गणेश IPS का एग्जाम दे सकता है। राष्ट्रपति जी को दिए हुए एप्लीकेशन का क्या हुआ सर? क्या गणेश IPS बनेगा? हमारी राज्य की जनता ने गणेश को लाने के लिए जो कोशिशें की और उस पर जो विश्वास जताया, और आज हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसे भी ध्यान में रखते हुए गणेश को IPS का एग्जाम देने के लिए राष्ट्रपति जी का परमिशन मिल गया। मुझे तुम लोगों की नमस्ते नहीं चाहिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुख्यमंत्री कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो गणेश किसी भी सूरत में IPS नहीं बनना चाहिए। ये जनता का किया हुआ फैसला है। ए, तुम्हें इस कुर्सी पर बैठाने का फैसला मेरा था, जनता का नहीं। अगर इस कुर्सी पर परमानेंट रहना है तो जनता की बात छोड़कर मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या मतलब? जिस तरह तुमने मीडिया के सामने कहा था कि गणेश को IPS का एग्जाम देने की परमिशन मिल गई है, फिर मीडिया के सामने जाकर कहना है कि तुमसे गलती हो गई है। तुम्हारी बातों में आकर अगर गणेश को एग्जाम देने से रोका तो मेरी ही कुर्सी नहीं, हमारी गवर्नमेंट ही टूट जाएगी। अगर परमिशन दे दिया तो मैं सरकार गिरा दूंगा। परमिशन नहीं दिया तो जनता सरकार गिराएगी, परमिशन दिया तो तुम गिराओगे। परमिशन मैं दे ही देता हूँ, देखता हूँ कौन क्या करता है। इसका मतलब गणेश एग्जाम देकर ही रहेगा। यस। तुम्हारा जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है, तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता। ये परीक्षा तुम हर हाल में पास करोगे। देश के लिए जान देने वाला सिपाही भूमि की ही रक्षा करता है, और ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें कामयाबी मिले, ये लो। शुक्रिया दादाजी, अब मैं चलूं? दर्शकों, आप सब लोग इस वक्त देख रहे हैं कि गणेश IPS का एग्जाम देने के लिए हॉल में आ गया है। ग्राउंड में जनता की बहुत भीड़ है, सब लोग यहाँ पर गणेश का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मिस्टर गणेश, बड़ी स्पीड में जा रहे हो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे स्पीड नहीं, एटीट्यूड कहते हैं। IPS एग्जाम कोई खेतों में हल चलाने का काम नहीं है। कमिश्नर, मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ, सोचता तक नहीं। और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है। आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। आप 57 के हैं और मैं 27 का हूँ। आप ऑलरेडी कमिश्नर बन चुके और मैं ये एग्जाम देने के बाद ACP बन जाऊंगा। एक स्मॉल डिफरेंस है, डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। आपकी बातों पर जनता तालियां बजाएगी, लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी। आप तजुर्बेकार हैं,
और मैं खैर छोड़िए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। विश मी बेस्ट ऑफ लक। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट मिस्टर गणेश। गणेश का आईपीएस का एग्जाम बस शुरू होने ही वाला है। एग्जाम हॉल के बाहर सभी लोग नजर बिछाए बैठे हैं। गणेश पास होते हैं या फेल, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री ने उसे आईपीएस का एग्जाम देने का परमिशन क्या दिया? उसे लगता है कि वो पास हो जाएगा। अरे ये पांचवी क्लास का एग्जाम नहीं है, आईपीएस का एग्जाम है। दसवीं के एग्जाम में मुझे 10 जन्म याद आ गए थे, तो ये तो आईपीएस का एग्जाम दे रहा है। लिख लिख और लिख। सुबह 10:20 पर गणेश का एग्जाम शुरू हो गया। अब कुछ ही घंटों में परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सर। गणेश का आईपीएस एग्जाम रिजल्ट बस डिक्लेयर होने वाला है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। गणेश पास होते हैं या फेल होते हैं ये कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा। गणेश के आईपीएस एग्जाम की चेकिंग पूरी हो चुकी है, उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और वो पास हो चुके हैं। पास हो गया, पास हो गया, वो पास हो गया। अरे मैं भी देख रहा हूँ वो पास हो गया, तो मैं क्या करूँ? तो उसकी तरफ से है कि मेरी तरफ से? अरे वो आईपीएस बना तो क्या हुआ, देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन गया? गणेश के पास होने की वजह से जनता की खुशियों का ठिकाना नहीं है। उसे दोबारा आईपीएस के पद से सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी उसके घर पहुंच चुके हैं। गणेश जी कब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? जल्दी ही करेंगे। ही मे ज्वाइन एनी टाइम नाउ प्लीज। फेक ऑफिसर बनकर उन्होंने इतना कुछ किया है, अब वो सचमुच के ऑफिसर हैं। न जाने उन्होंने क्या क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू, वेलकम बैक सर। थैंक यू, वेलकम बैक सर। हेलो प्रताप काले, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका डायलॉग तो दे ही सकता हूँ। भगवान की दया से पापा ने जो नाम मुझे दिया है वही नाम मैंने अपनी गाड़ी को दी है। जब रथ चलता है तो हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तो तूफान आता है। कौन है रे तू? अब तक तुमने जिससे बात की वो था फेक आईपीएस, अब तुम जिससे बात करोगे वो है ओरिजिनल आईपीएस। हाँ, सर। हेलो, मुबारक हो गणेश। अशोक सर, प्रताप काले ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस पर एक एफआईआर रेडी करो। विदाउट परमिशन के कितने फ्लोर्स है उसमें मेंशन करके बिल्डिंग्स को सीज करो, और बिल्डिंग बनाते समय जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 1,500,000 रुपया कंपनी देगी। ये पॉइंट उस एफआईआर में हाईलाइट करो। नमस्कार सर, हम गरीब किसान है सर, हम अपने खेत में उगाई हुई सब्जी मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहाँ के गुंडे और दलाल हमें धमकाते हैं। सर पहले हमें बहुत अच्छा भाव मिलता था सर, नकली तराजू लगा करके हमें लूट लेते हैं सर, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। नमस्ते भाई। क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर में भी सिर्फ आपका नाम सुना है। बहुत बोलते हो। बहुत बोलता हूँ। बात में बहुत दम है मालिक। तेरे बोल बचन की कोई कीमत नहीं है। मतलब मैंने जो सुना था वो गलत है? अफवाह ये है कि जो यहाँ आता है माला माल होके जाता है। ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, जितनी हाइट है उतना ही बोल। यहाँ पर क्यों आया है? सुना है यहाँ अनाज की अच्छी कीमत मिलती है, लाया हूँ दिखाऊँ क्या? ये देखिए ले आया। रखो रखो, खुद ही देख लीजिए। ए छोटे भाई, जरा गाड़ी का वजन तो कर। ये लो, 18 क्विंटल है। मालिक बिल? मालिक इसे बिल दे दे। देख लो सब सही है ना? ठीक है, सब करेक्ट ही होगा। ये पकड़ बिल। हाँ जी, ये लो। बले गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से जो लॉट आया है उसमें 102 क्विंटल माल होना चाहिए, फिर वो माल 18 क्विंटल कैसे हो गया? कौन है बे तू? तेरा बाप गणेश, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। पुलिस एक लॉट में 24 क्विंटल के हिसाब से, रोजाना 50 गाड़ी लोड हुई तो 1,200 क्विंटल होता है।
और पूरे महीने का हिसाब करो तो 36,000 क्विंटल। गरीब किसान से इस तरह से अनाज चोरी करते हो? ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? हर रोज किसी न किसी गांव में एक किसान आत्महत्या करता ही करता है। जितना तुम उन्हें देते हो उसमें से 15% छीन लेते हो। बचे 15% में वो कर्जा कैसे चुकाएंगे? अपने परिवार को पालेंगे कैसे? यहाँ का ओनर कौन है? प्रताप काले। ऑफिसर्स, प्रताप काले की जितनी भी दुकानें हैं सब पर नोटिस लगा दो और सभी दुकानों को सीज कर दो। ऐ, इधर रहो। ए, छोड़ो। मेरी कंपनी से निकलने वाला माल बहुत लो क्वालिटी का है, क्या कर रिजेक्ट किया ना? आपको इत्तला कर दूं कि यहाँ जो काम चल रहा है वो शुगर फैक्ट्री का नहीं, एक हॉस्पिटल का है। आप जैसे लोगों से मटेरियल खरीदकर अगर बिल्डिंग बनाई तो 100 साल की बजाय वो 2 साल में ही गिर जाएगी। तुम कोई ताजमहल बना रही हो क्या मैडम जो 100 साल तक टिका रहे? आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही तो है। अब तो सरकार 5 साल तक नहीं टिकती, किसी चीज की गारंटी नहीं। चुपचाप क्वालिटी पेपर पे साइन कर दो। अगर आपकी बात मानकर साइन कर दिया और भगवान ना करे ये बिल्डिंग गिर गई तो मुझे ही सबका श्राप मिलेगा। बिल्डिंग गिरने के बाद जो लोग मरेंगे तुम उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं बिल्डिंग बनने से पहले तुझे मौत की नींद सुलाने को सोच रहा हूँ। ए, मुझे लड़कियों पर हाथ डालकर उस पर जुल्म नहाना पसंद नहीं है। घसीट कर ले जा और साइन करा। और अगर साइन ना करे तो इसके हाथ काट देना और मेरे पास लाना।